हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस 2023 का फॉर्म कब तक आ सकता है और एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस है क्या, सीटें किस तरीके से है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितना जाता है और एनुअल फीस कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म हर साल कब आता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब रेगुलर के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं उसके बाद एएमयू सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म उसी के फर्स्ट वीक में आ जाता है, जैसे ही एडमिशन क्लोज होता है। अगर हम बात करें इस साल की 2023 की, तो जो लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को थर्ड फॉर्म लिस्ट का पेमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एएमयू सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही एएमयू सेल्फ फाइनेंस क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ जाता है अगस्त के फर्स्ट वीक में, हम आपको बताएंगे। और जो लोग एएमयू सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी लोग चैनल की मेंबरशिप लिए रहेंगे उनको अलग से नोटिफाई किया जाएगा, कॉल करके नोटिफाई किया जाएगा कि एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ गया है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सेल्फ फाइनेंस फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन बटन पे जाकर के आइकोनिक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लिए रहते हैं उनको हम नोटिफाई करते हैं और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म हमारे टीम के थ्रू फिल कर दिया जाएगा। तो सारे लोग, जितने भी लोग सेल्फ फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर वो फॉर्म फिल कराना चाहते हैं अभी से, वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास भेज सकते हैं और जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा उनको कॉल करके उनका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। तो अगर किसी को सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करवाना है तो वो मुझे कॉल कर सकता है 9634775736 पे, ओनली फॉर्म फिल करने के लिए। और कोई क्वेरीज के लिए आपको कॉल नहीं करनी है, और कोई क्वेरीज करनी है तो आपको वेट करना है लाइव सेशन का, ठीक है। लाइव सेशन में ही आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेंबरशिप लेकर के भी क्वेरीज कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जाकर के अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं एएमयू सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट के, अगर 15+ मार्क्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर 15+ मार्क्स आ रहे हैं तो वो एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 45+ मार्क्स हैं या 40+ मार्क्स हैं तो ज्यादा चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है एएमयू सेल्फ फाइनेंस में। तो जितने भी लोग एएमयू 11th एंट्रेंस का दिए थे, अगर आर्ट्स में दिए थे तो आर्ट्स का फिल कर सकते हैं, साइंस का दिए थे तो साइंस का फिल कर सकते हैं। 40+ है, 45+ है, 35+ पे भी चांस रहता है। तो जितने भी लोगों का मार्क्स अच्छा है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की फॉर्म फीस रहती है वो अराउंड 250 रुपीज रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो टोटल सीट है, अगर हम बात करें साइंस में अगर 300 सीट है तो इसमें से 80% सीटें इंटरनल के लिए रिजर्व रहती है और 20% एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल का जो क्राइटेरिया है वो एंट्रेंस जो हुआ था उसके मार्क्स के बेसिस पे होता है। और जो इंटरनल स्टूडेंट है, यहाँ एएमयू के जो इंटरनल स्टूडेंट है उनको मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो बोर्ड परसेंटेज मार्क्स होता है उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। और अगर हम बात करें एएमयू सेल्फ फाइनेंस को, जो स्टूडेंट एएमयू सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेता है क्या वो फर्दर स्टडीज के लिए इंटरनल से माना जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल उसी तरीके से माना जाता है जैसे रेगुलर स्टूडेंट रहता है, उसी तरीके से एएमयू सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट भी इंटरनल से माना जाता है। यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इंटर्नलशिप का जो 50% रिजर्वेशन है वो मिलता है। एएमयू सेल्फ फाइनेंस की जो क्लासेज है वो आफ्टरनून में चलती हैं, अराउंड 1 PM to 5 PM या 5:30 PM यहाँ तक चलती क्लासेज। और जो रेगुलर की क्लासेज है वो अराउंड सुबह में चलती हैं, बस यही फर्क है। और अगर हम बात करें कि हॉस्टल्स में, तो कुछ स्टूडेंट को रेगुलर में हॉस्टल मिल जाता है, सारे स्टूडेंट को नहीं मिलता है, कुछ स्टूडेंट को। लाइक साइंस में अगर हम बात करें तो जो शुरू के 400 लोग रहते हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है, इसी तरीके से गर्ल्स में तो हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्टल में रह सकते हैं। तो ठीक है, और मैंने वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर और कुछ होता है, नया अपडेट आता है एएमयू सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड, तो हम आपको अपडेट करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है फौरन एक वीडियो अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि एएमयू सेल्फ फाइनेंस फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। और बहुत सिंपल फॉर्म होता है, तो हम आपको जैसे ही फॉर्म आता है आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।